सो फाइनली दोस्तों सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 गाइस शाम के 5:30 बजे की रिपोर्ट आ चुकी है मेरे पास। दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे बहुत बड़ा बवाल चल रहा है, बहुत बड़ा फाइट चल रहा है। आज ये डे नंबर 8 दोस्तों, और डे नंबर 8 में कौन है इस रेस में आगे। दोस्तों साफ सीधी तौर पर यह कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन का लाइफ टाइम कलेक्शन 300 करोड़ के पार नहीं जाएगा। गाइज आपको बता दूं मैं कि सिंघम अगेन को फ्लॉप बताया जा रहा है। सिंघम अगेन के बजट को बताया जा रहा है कि भाई साहब अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पा रही है। और आपको बता दूं इसके कलेक्शन ड्रॉप होते जा रहे हैं दोस्तों। हाल ये हो रहा है कि भाई साहब 5 करोड़ की भी लागत हुए पड़े हैं। दोस्तों ये क्या है सच? कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी भी सिंघम के खिलाफ एक नेगेटिविटी प्रमोशन कर रहे हैं? क्या वाकई में सिंघम दोस्तों कम कलेक्शंस कर रही है? क्या वाकई में सिंघम का बजट बहुत ज्यादा है? वेल दोस्तों पूरी खबर लेके आऊं, अभी तक कितना ओवरसीज में कमाई है सिंघम, और दोस्तों क्या लगता है BB3 कलेक्शंस कितना सच और कितना झूठ। गाइस पूरी वीडियो को देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई बिचौ प्यार देना, चैनल पर नए गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। शुरू करते हैं। सो भाई लोगों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, और दोस्तों सब फिट होंगे, सही होंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच सबसे पहले अपने भाई रवि चौधरी को इस तरह प्यार देने के लिए। एंड मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, रवि भाई ये, रवि भाई वो, लव यू गाइस एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, ये 40,000 की परिवार सबको थैंक यू सो मच। दोस्तों देखो दोस्तों हम सिंघम को पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि सिंघम की जब ट्रेलर आया था, ट्रेलर के बाद एक ऐसी हाइप बनी रॉकेट वाली, एंड जब फिल्म रिलीज हुई तो 4 दिन भी बहुत रॉकेट वाली हाइप थी। बट लोग ये कह रहे हैं कि अब बॉक्स ऑफिस नंबर गिरते जा रहे हैं। भाई क्या नंबर गिरते जा रहे हैं तो क्या सिंघम अगेन के ही गिर रहे हैं? क्या BB3 के नंबर नहीं गिर रहे दोस्तों? आपको बता दूं कि अभी हाल में ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें भूषण कुमार जी कहते हैं कि भाई साहब हमें ये क्लैश करना ही पड़ा, मजबूरी थी, हम चाह के भी अपनी फिल्मों को पीछे और आगे नहीं कर सकते थे। अगर जरा सा भी भूषण कुमार अपनी फिल्म को आगे के लिए डेट खिसकाते तो उनकी जो OTT से कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हुआ है जहां पर ये भूषण कुमार की फिल्म जो है BB3 जानी है दोस्तों, जिस OTT पे आप देखोगे वहां जरा भी डिले हुआ तो शायद इस फिल्म को लेते नहीं, जो कि बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता भूषण कुमार को। और भूषण कुमार ने साफ सीधी तौर पर कहा है कि मेरे लिए मजबूरी थी, मैं इस क्लैश को अवॉइड नहीं कर सकता था। वही दोस्तों वो ये भी बात बोलते हैं कि सिंघम अगेन बोले तो रोहित शेट्टी जी इस क्लैश को वो भी नहीं हटा सकते थे क्योंकि उनकी जो फिल्म है उसमें रामायण की झलक और रामायण के ग्लिम्सिस और रामायण की खुशबू थी जो कहीं ना कहीं उनके लिए वो परफेक्ट डेट थी। और जरा भी दोस्तों उन्होंने कुछ भी ऊपर नीचे किया होता तो फिर यार वो एक कहता ना कि पूजा का मुहूर्त भी जो टाइम होता ना शुभ मुहूर्त पर होता है, और ये फिल्म भी उसी मुहूर्त पर आनी थी। अगर जरा सा भी रोहित शेट्टी डिले करते तो भाई डेफिनेटली सिंघम अगेन और फ्लॉप हो जाती। गाइस सिंघम अगेन के जो बॉक्स ऑफिस नंबर है ना बहुत फाड़ू आ रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि सिंघम जो है ओवरसीज से कम से कम जो कलेक्शंस आए ना भाई 60 करोड़ के ऊपर जा चुकी है ओवरसीज से। BB3 अभी तक गई नहीं है दोस्तों। इसके साथ साथ बता दूं कि ऑक्यूपेंसी जो है मॉर्निंग में कम आ रहा है बट आफ्टरनून और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी गाइस सॉलिड चल रही है। इसके साथ साथ दोस्तों हर एक घंटे में 7,000 टिकट सिंघम अगेन विथ रियल बता रहा हूँ मैं, एंड BB3 9,000 टिकट। BB3 हर चीज़ में आगे चल रही है। BB3 दोस्तों हर एक घंटे में नया पोस्टर आ रही है, कभी 150 करोड़ की बारिश बताती है तो कभी 200 करोड़ की बारिश बताती है। गाइस नंबर में मैनिपुलेशंस होते रहेंगे, हमारे हाथ में गोली है कभी भी चला दे, मतलब कुल मिलाकर दोस्तों BB3 के पास है ही क्या तरीका। BB3 नंबर में इतना मैनिपुलेशंस कर रही है, इतना मैनिपुलेशंस कर रही है कि सिंघम अगेन जहां पर रोहित शेट्टी और अजय देवगन दोस्तों सक्सेस पार्टी कर रहे हैं, जहां पर ये पूरा यूनियन जो है इकट्ठा होकर सिंघम अगेन की ब्लॉकबस्टर होने की खुशी में ग्रैंड पार्टी करी जा रही है, वहीं कुछ छपरी लोग BB3 की नाकामी को देखते हुए जानबूझ के ये हेड फैला रहे हैं कि सिंघम के कलेक्शंस कम आ रहे हैं। दोस्तों गाइस बॉक्स ऑफिस पर सिंघम रोड कर रही है, एंड रही बात क्या ये फिल्म हिट हुई है, ब्लॉकबस्टर हुई है, गाइस ये फिल्म अपने पहले दिन जब इसने ओपनिंग ली थी ना उस टाइम पे ये ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी। देखो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि इसके जो ओवरवाइड जो कलेक्शंस आए हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंघम ने दोस्तों फर्स्ट वीक में 173 करोड़ इंडियन नेट से कमाया था। एंड गाइस आज है फ्राइडे और फ्राइडे शाम की इवनिंग ऑक्यूपेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो दोस्तों आज शाम के 5:30 बजे तक 2 करोड़ 14 लाख, मतलब आई नो कलेक्शंस कम है बट इसका मतलब ये नहीं कि BB3
जो दूध की धुली हुई, और दोस्तों इसके कॉर्पोरेट बुकिंग के बाद सिंघम को टक्कर नहीं दे पा रही है। भाई आपको बता दूं कि अभी तक 175 करोड़ 14 लाख का कलेक्शंस कर चुके हैं इंडिया नेट में। एंड ग्रॉस में दोस्तों आपको बता दूं कि 250 करोड़ का कलेक्शन सिंघम अगेन ऑलरेडी कर चुकी है ग्रॉस में। एंड वहीं दोस्तों लगभग 230 करोड़ बीबी थ्री कर चुकी है, 20 करोड़ पीछे चल रही है बीबी थ्री सिंघम अगेन से। गाइस फेक कलेक्शंस करके, कॉर्पोरेट बुकिंग करके, फेक नंबर दिखा दिखा के इन्होंने एक नंबर में 230 करोड़ का नंबर बता तो दिया, लेकिन दोस्तों ये नंबर कहां तक सच है? क्योंकि आपको बता दूं, सुनने में आ रहा है कि बीबी थ्री अपने बीबी टू का रिकॉर्ड तोड़ देगी। एंड अभी एक रिपोर्ट आई थी कि क्या बोलते हैं, रणवीर सिंह की जो फिल्म आई थी ना दोस्तों आलिया भट्ट के साथ, उसके भी रिकॉर्ड को जो है तोड़ दिया है। गाइस तू झूठी मैं मक्कार के रिकॉर्ड को भी तोड़ती हुई नजर आ रही है रणबीर कपूर की। तो गाइस देखो यार, नो डाउट ये फिल्म जो है बीबी थ्री कर रही है कलेक्शंस, फाड़ फाड़ नंबर आ रहे हैं, बट साफ सीधी तौर पर बोलूँ तो सारे नंबर फेक है दोस्तों बीबी थ्री के, जो मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ठीक है यार, हमें कंसर्न हो रहा है, लेकिन हमें कंसर्न हो रहा है बट रोहित शेट्टी तो पार्टी कर रहा है भाई। और हाँ, बजट की तुम बात कर रहे हो दोस्तों, जिस बजट की तुम बात कर रहे हो भाई, उस बजट गूगल दिखा रहा है मुझे 350 से लेकर 375 करोड़ गूगल दिखा रहा है सिंघम अगेन का, एंड बीबी थ्री 150 करोड़ दिखा रहा है। तो उस नाते छपरी लोग बोल रहे हैं कि बीबी थ्री ब्लॉकबस्टर हो चुकी है एंड सिंघम ने जो है अपने बजट को भी क्या बोलते हैं पार नहीं किया, अपने बजट को भी इतनी छू पाई है। एंड लाइफ टाइम कलेक्शंस क्या होगा दोस्तों, कहा जा रहा है ये लोग कि लाइफ टाइम कलेक्शंस जो है, देखो दोस्तों कल वीकेंड है, कल कम से कम भी 50 करोड़ दो दिन में कमा लेगी इंडिया नेट से ये फिल्म, लगभग ग्रॉस में 100 करोड़ कहा जा रहा है दोस्तों कि ये फिल्म जो है 350 करोड़ लाइफ टाइम कमाएगी ग्रॉस में सिंघम अगेन। एंड बीबी थ्री दोस्तों ऑलमोस्ट इतना ही बराबरी का टक्कर दे रही है। तो गाइस बीबी थ्री तो ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन सिंघम अगेन जो है वो ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाएगी, इनफैक्ट फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि सिंघम का बजट ही 350 करोड़ का है, 375 करोड़ का है। सो गाइस गूगल की बात तो भरोसा मत करो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में बजट हमेशा ही ज़्यादा दिखता है, बट ये बजट आप किसी और कहीं और बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट भी देखोगे, कई मैंने ऐसी रिपोर्ट देखी जहाँ पर इसका बजट जो है वो 250 से लेकर 275 करोड़ के आसपास है। और आप बिलीव करो गाइस, ठीक है, तो जो लोग ये हेड फैला रहे बजट को लेकर, अभी हमारे पास टाइम है और फैलाने दो दोस्तों, अभी हमारे पास बहुत टाइम है भाई। ये फिल्म इतनी जल्दी नहीं उतरेगी भाई, सिंघम है ये, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं उतरेगी ये, अभी थोड़ा सा 4 दिन तो गिने चुने जुम्मा के हुए हैं। अरे भाई साहब, अभी 2 हफ्ते फिल्म चलने दो ना बीबी थ्री का, भाई साहब भूल भैया है ना, भुला जाएगी भैया, भुला जाएगी। तो गाइस क्या लगता है आज कलेक्शन कितना आ सकता है, क्योंकि आज मेरी नजरिए में दोस्तों आज 5 करोड़ संभावित ये कर पाएगी सिंघम अगेन। एंड ऑफकोर्स बीबी थ्री भी जानबूझ के सेम नंबर दे दी जो सिंघम अगेन दे दी, जो मैंने नोट किया है बीबी थ्री भी 5 करोड़ का नंबर देगी दोस्तों, ज्यादा नहीं 10-20 लाख का फर्क होगा। तो गाइस क्या लगता है, क्या कल शनिवार है, कल एक ह्यूज जंप देखने को मिलेगा जो स्टार्टिंग वीक में मिला था? क्या लगता है दोस्तों कि क्या लगता है संडे तक सिंघम अगेन वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ पार हो पाएगी, या दोस्तों आपको भी लगता है सिंघम फ्लॉप हो चुकी है? और बीबी थ्री दोस्तों क्या रियल कलेक्शन है या मैनिपुलेशन चल रहा है? गाइस कमेंट करो, मिलते हैं शो में, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बाय दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं दोस्तों, बाय, टेक केयर।